मिडिल ईस्ट के देश अधिकतर भीषण गर्मी का शिकार होते हैं। यहाँ के रेगिस्तानी शहर पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बने हैं। जब रेगिस्तानी इलाकों का जिक्र आता है तो आमतौर पर व्यक्ति के दिमाग में सूखी पड़ी जमीन और भीषण गर्मी दिखाई देती है, लेकिन अब शायद प्रकृति का कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। दुबई इस समय बाढ़ की चपेट में है। यहाँ की सड़कें पानी से लबालब हैं। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, पार्किंग, हर जगह पानी में डूबा हुआ है। हालात ये हैं कि दुबई एयरपोर्ट भी बाढ़ की चपेट में आ गया। रनवे पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पूरे दुबई ने इससे पहले इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी थी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल सभी के मन में आ रहा है कि आखिर दुबई में अचानक इतनी बारिश होने की क्या वजह हो सकती है। आपको बता दें कि इसका जवाब वैज्ञानिकों ने दिया है। उन्होंने बताया कि साइंस का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है, जिसका परिणाम इस समय पूरा दुबई झेल रहा है। दरअसल बीते दिनों क्लाउड सीडिंग के लिए दुबई के आसमान में विमान उड़ाए गए थे। इस तकनीकी के जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण इतनी बारिश हो गई कि दुबई में बाढ़ आ गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरा प्लान फेल हो गया, कृत्रिम बारिश की कोशिश में बादल ही फट गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये कृत्रिम बारिश क्या है जिसकी वजह से दुबई का ये हाल है। दरअसल एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीके से बदलाव लाना होता है, जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है। बादलों के बदलाव की ये प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। वही अभी कुछ समय पहले दुबई से सोशल मीडिया पर 23 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को एक एक्स यूजर ने शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, दुबई में आसमान हरा हो गया। आज दुबई में आए तूफान की ये वास्तविक फुटेज है। बता दें, दुबई में आसमान का इस तरह से हरा हो जाना कोई मामूली बात नहीं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। जानकारी के मुताबिक पता लगा है कि ये तब होता है जब वायुमंडल द्वारा बिखरी हुई रोशनी बादलों में बर्फ़ की बूंदों को रोशन करती है।